आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी में पत्रकारों पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला सहारनपुर के माधवनगर का है, जहां दैनिक जागरण के पत्रकार आशीष व उसके भाई की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर के सामने गोबर डालने को लेकर आशीष का पड़ोसियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद घर में घुसकर उसके पड़ोसियों ने ही दोनों को गोलियों से भून दिया और हत्या करने वाले सभी लोग फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पर जबरदस्त तनाव को देखते हुए डीआईजी सहारनपुर रेंज उपेंद्र अग्रवाल, एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु और एसपी सिटी विनीत भटनागर पुलिस पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे और हत्याकांड से गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर बमुश्किल शांत किया। वहीं सहारनपुर में घटी इस दुखद घटना से पूरे पत्रकार जगत में शोक के साथ आक्रोश भी है। आशीष का विवाह पिछले साल ही हुआ था। घर में आशीष की पत्नी, छोटा भाई, माँ व 92 साल की दादी साथ रहते थे। पूरा परिवार का खर्च आशीष ही चलाता था। दोनों भाइयों के जाने के बाद मात्र घर में 2 महिलाएं बची हैं। मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार आशीष धीमान पहले सहारनपुर जनवाड़ी में काम करता था। अभी 4 दिन पहले ही वह जागरण में आया था। वहीं पूरे मामले में योगी सरकार ने दोनों मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की है, लेकिन घटना से आक्रोशित सहारनपुर के पत्रकारों ने शासन प्रशासन को संदेश भेजकर कहा है कि पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे के मरहम से कुछ नहीं होगा। कम से कम पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। साथ ही किसी एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। आशीष और आशुतोष दो भाई हैं। आशीष इसने 3-4 दिन पहले ही दैनिक जागरण ज्वाइन किया था, वो पत्रकार हैं पेशे से। दोनों भाई हैं। सुबह 10 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां इनका पड़ोसियों से विवाद होता है कूड़े और गोबर को डालने को। पूर्व में भी इनका विवाद हुआ था, तो आज विवाद बढ़ जाता है। इसी क्रम में दोनों भाइयों को गोली मारी गई है, दोनों की मृत्यु हो गई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत करा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। टीमें लगाई गई हैं, 4-5 टीमें गठित करके अलग अलग जगह भेजी जा रही हैं। जो अक्यूज हैं मूल निवासी व शामली के बताए जा रहे हैं, तो टीमें अलग अलग जगह भेज करके उनको जल्द ही गिरफ्तार कर आवश्यक